69,000 शिक्षकों की भर्ती मामले में मुझे अभ्यर्थियों द्वारा जितने साक्ष्य दिए गए हैं, जितने तथ्य मेरे पास लाए गए हैं, उनसे मुझे प्रथम दृष्टया पर्चा लीक होने की भारी संभावना, पूरी प्रक्रिया में गड़बड़ी होने की संभावना मुझे जान पड़ती है। मैंने इसके बारे में थाना हजरतगंज लखनऊ में प्रार्थना पत्र दिया, उन्होंने कहा कि क्षेत्राधिकार नहीं है। पुनः मैंने थाना कर्नलगंज प्रयागराज में FIR हेतु प्रार्थना पत्र दिया, अभी FIR दर्ज नहीं हुआ है। इसी बीच भर्ती की प्रक्रिया जारी है। मुझे मात्र यह कहना है कि चूंकि जो तथ्य, जो साक्ष्य, जो फैक्ट दिए गए हैं, वह ऐसे हैं जिनमें विवेचना किया जाना, जिनकी जांच किया जाना आवश्यक जान पड़ता है। अतः मैं ऐसे सभी अभ्यर्थियों के हित में, न्याय हित में और सच्चाई के हित में आप लोगों के साथ हूं और पूरा प्रयास करूंगा कि प्रकरण में FIR हो और मामले की निष्पक्ष जांच हो, ताकि जो भी सच्चाई है वो सामने आए। साथ ही साथ मैं अपने अभ्यर्थी साथियों से यह भी अनुरोध करूंगा कि कृपया किसी भी मामले में बहुत अधिक अधीर होना उचित नहीं है। यदि आपकी बात सही है, यदि आपने जो साक्ष्य और तथ्य दिए हैं उनमें बल है, तो इस प्रकरण में भी निश्चित रूप से न्याय होगा, सच्चाई सामने आएगी और किसी प्रकार की कोई त्रुटि होगी वह सामने आ जाएगी।